हमने शिक्षा स्तर सुधार दिया, हमने भू कानून पास कर दिया, हमने 1950 लागू कर दिया। कहाँ लागू किया? कहाँ गई हमारी जमीन है? भू माफियों ने हड़प दिया। हम मूल हैं, हमें अपनी अधिकार चाहिए। ये मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके कदमों में जान होगी, और पंख होने से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होगी, हौसलों से उड़ान होगी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गुसाई, उत्तराखंड की नौनी। आप सभी ते मेरू प्यार भरू नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूथ है भी सुना कार्यक्रम में। हम हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और यहाँ कोई राजनीतिक सरगर्मी ना हो ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ दिन पहले की ही बात करें तो राजधानी में भू कानून की मांग को लेकर राजनीतिक मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन कर 24 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, और रैली ने हमें एक बार फिर से उत्तराखंड आंदोलन की याद दिला दी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार की रैली में लोग अपने 10-12 साल के बच्चों को अपने कंधे में लिए इस रैली में सहयोग प्रदान करते दिखाई दे रहे थे। अपना घर बार छोड़कर वो रैली में प्रतिभाग कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आप इस बच्ची की क्लिप देखते चलिए कि कितना उत्साह इस बच्ची में इस रैली को लेकर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि देहरादून के परेड ग्राउंड में एक उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर बहुत बड़ा एक जन सैलाब उतरा है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दी है। इसी बीच हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है जो इस आंदोलन को अपना सहयोग प्रदान कर रही है। जानते हैं उस बच्चे से कि क्यों वो इस आंदोलन में सम्मिलित हुई है। बच्ची, आपका नाम क्या है? जानवी मेहरा। अच्छा, और आप आज इस उत्तराखंड मांगे भू कानून को लेकर यहाँ पे आए हो, क्या आप इस बारे में क्या जानते हैं? मैं इस बारे में यह जानती हूँ कि हमें अपना अधिकार पाना जरूरी होता है। हम स्थायियों को अपनी स्थान क्यों दे? हम मूल हैं, हमें अपनी अधिकार चाहिए, इसलिए आज हम ये सब कर रहे हैं। विजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को भू कानून की जानकारी देते हुए चलते हैं कि आखिर भू कानून क्या है, उसके बाद आंदोलन में आए लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखेंगे। सन 2000 में बोली, भाषा, संस्कृति, पहाड़ी रहन सहन, खान पान के आधार पर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक पृथक राज्य घोषित किया गया था, और उसी समय से उस दौर के बुद्धिजीवी और आंदोलनकारियों का यह मानना था कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का भी अपना खुद का एक भू कानून होना चाहिए। परंतु तत्कालीन सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। इसके परिणाम आगे आने वाले समय में दिखाई दिए, जैसे कि जमीन की खरीद फरोख्त में कई गड़बड़ियां सामने आई। फिर सन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने जनता के दबाव में आकर भू कानून से संबंधित कानून में कुछ संशोधन किए, जो कि इस प्रकार से थे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि संरक्षण कानून में कुछ ये जो परिवर्तन किए गए थे, इसके तहत बाहरी राज्य के उद्योगपति और अन्य लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं। सन 2008 आते आते तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने इस एक्ट में फिर से संशोधन करते हुए 500 की जगह इसको 250 वर्ग मीटर कर दिया। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु वर्ष 2018 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस एक्ट में दो अन्य बिंदुओं को जोड़ा, और इन नियमों को खत्म कर बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों और उत्तराखंड में कितनी भी भूमि, कृषि योग्य भूमि खरीदने में छूट दे दी, यानी कि अब उद्योगपतियों सहित अन्य लोग भी यहाँ पे कितनी भी जमीन खरीद सकते थे।
किसी भी संस्था व फर्म के माध्यम से ये लोग अब कितनी भी भूमि यहाँ खरीद पा रहे हैं। सरकार का मानना था कि इससे उत्तराखंड में विकास की गति तेज होगी और उत्तराखंड में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वह तभी से उत्तराखंड में भूमि अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आने लगे। उत्तराखंडियों का यह मानना है कि भू कानून को हटाकर सरकार ने हमारी बोली, भाषा, संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। वे मानते हैं कि यदि हमारी कृषि योग्य भूमि को खत्म कर दिया जाएगा तो हम क्या रोजगार करेंगे। इन बातों से कहीं ना कहीं सच्चाई भी झलकती है। जैसे कि आपके सामने चमोली के बैनीताल का एक मामला सामने आया था। चमोली के एक बैनीताल में एक उद्योगपति राजीव सरीन ने अपनी ओर से एक बोर्ड टंगवा कर ताल में स्थित बुग्याल में घेराबाड़ी करना शुरू कर दिया था। जब स्थानीय जनता ने इस पर सवाल किए तो उनका तर्क था कि यह जमीन अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों को सौंप दी थी। इसी दौर में उत्तराखंड में भू कानून के मामले तेजी से दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इस बार की सरकार ने एक समिति का इसको लेकर गठन किया है, जिसने अपने 70 पेजों की एक रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप दी है, जिस पर सरकार विवेचना कर रही है। और आगे वीडियो में दिखाते चलते हैं कि आंदोलन में आए लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है और किस तरह से जो आंदोलन उत्तराखंड बनने के समय उसकी मांग को लेकर चल रहा था, सेम उसी तरह का आंदोलन, उसी तरह का रिएक्शन, उसी तरह का गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे वीडियो विजुअल के माध्यम से देखिए कि क्या कुछ लोगों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी आपकी इस मामले में क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं बेटा। सन 1994 से हम इस सड़क पे हैं। तो उस समय हम जवान थे, आज हम बूढ़े हो गए, चलने लायक नहीं रह गए। तब से अब तक हम सरकार से लड़ रहे हैं कि हमारा जंगल जमीन हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब सारे बाहर वाले माफिया ने सारा कब्जा कर लिया। कल को हमारे उत्तराखंड के बच्चे ना नौकरी लगते हैं, बाहर से वैकेंसी आते, बाहर वाले नौकरी पकड़ जाते। हमारे पास मूल निवास नहीं है, अस्थायी निवास है, मूल निवास नहीं है, अस्थायी निवास बाहर से आके 2 दिन में लोग बना रहे। इसलिए हम बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। और इसी रोजगार की वजह से हमने लड़ाई छिड़ी थी, उत्तराखंड मांगा था। आज उत्तराखंड का ये राज्य ऐसे लोगों के हाथ में चला गया, ना हम थूक सकते हैं ना घूर सकते हैं। हम आज कसम खा के बोल रहे हैं, हमने बेकार उत्तराखंड लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना उसके बाद जल, जंगल, जमीन और रोजगार के लिए ही थी, और जो कि वर्तमान में सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। जमीनें बाहर के लोग हमारे पहाड़ के लोगों को बरगला के झांसे में लेके खूब सारी ज़मीनें ले रहे हैं, उन्हीं जमीनों को और हमारे पहाड़ियों को फिर ऊंचे दामों पे बेचते हैं, या हमारे उत्तराखंड मूल के लोगों को उसमें कहीं ना कहीं फोर्थ क्लास की नौकरियां ऐसे कार्य करने के लिए उनको रखा जा रहा है। मैं आपको 4-5 बातें बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि हम मुख्यमंत्री धामी जी से ये बोलना चाहते हैं कि धामी जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ़ नहीं हैं, हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमको कमेटी न बताएं, आप हमको ये बताएं कि भू कानून और मूल निवास किस दिन लागू होगा, हमको स्पष्ट डेट बताएं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड शासन में कुछ लोग यूसीसी और भू कानून को कन्फ्यूज़ करते हैं। जब भी हम भू कानून की बात करते हैं ये यूसीसी का सगुफा छोड़ते हैं। भू कानून उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चाहिए, इसलिए हमको भू कानून और मूल निवास बिल्कुल अलग चाहिए और इसकी तारीख चाहिए। उसके बाद उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ पे 10% भ्रष्ट नौकरशाह, 10% भ्रष्ट नेता और 10% ठेकेदार पूरे उत्तराखंड का भविष्य तय कर रहे हैं। उनके भरोसे चल रहा है उत्तराखंड कैसे चल रहा है। पूरे जमीन की जो बंदर बांट है, जो प्रॉपर्टी की बंदर बांट है, ये जो 5-10% की जो कॉकस है वो डिसाइड कर रहा है। और इस प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्तराखंड की नौनी के YouTube चैनल से, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो हमें दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।